हेलो, हाँ बोलो। ड्राइव कर रहा था इसलिए फोन नहीं उठाया। अरे सचमुच ड्राइव कर रहा था बाबा। हाँ बोलो क्या बात है। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? अच्छा ठीक है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ इस बार टाइम पर पहुंच जाऊंगा। ओके कुछ लाना है तुम्हारे लिए? हाँ मेरे साथ ही है, हम दोनों पहुंच जाएंगे टाइम पर। ठीक है अब फोन रखता हूँ, बाय। एजेंट का काम तो हो गया है लेकिन उसके बैग में कोई चीज नहीं मिली। वो चीज आज बस में जाने वाली है, ये खबर पक्की है। जरूर उस ग्रुप के किसी आदमी के बैग में होगी। एक काम करो, तुम एजेंट बनके उस बस में चले जाओ, मुझे किसी भी हाल में वो चीज चाहिए, समझे? यस बॉस। और हाँ ये काम शिरडी पहुंचने से पहले पहले हो जाना चाहिए। डोंट वरी बॉस, काम हो जाएगा। और हाँ बस में उस दूसरे आदमी से बच के रहना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। ऑल द बेस्ट। ओके बॉस। बहुत बहुत बढ़िया बनाया है। हाँ आने वाला था ना कोई? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मुंबई। मैं हूँ विराट, आप सभी का टूर गाइड। हाय। एक दो तीन चार पाँच छः, लेकिन इस ट्रिप में तो 8 लोग आने वाले हैं, बाकी 2 कहाँ हैं? नो आइडिया। बात ऐसी है कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं ना, इसलिए एक दूसरे के बारे में जानते भी नहीं। हाय। हाय मनी, सॉरी गाइस आई एम लेट। इस शहर में दोपहर में भी कितना ट्रैफिक होता है। ये मुंबई है, मुंबई यहाँ रात के 2 बजे भी ट्रैफिक होता है। खैर हमारी कंपनी ने आप सबों के लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है जहाँ जाकर आप सभी शॉक्ड हो जाएंगे। अच्छा आपको लगेगा कि क्या सच में ये भी इसी देश का हिस्सा है? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसी कौन सी जगह ले जा रहे हैं? शिरडी के पास एक गाँव है जिसका नाम है शनि शिगनापुर, हम लोग वहीं जा रहे हैं। क्या बात है, मुझे वहाँ की खासियत मालूम है, सुना है मैंने। क्या अब ऐसा क्या है वहाँ पे? उस गांव में कोई अपने घर का दरवाजा बंद ही नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? होता है, मैंने सुना है वहाँ पर चोरी लूट डकैती कुछ नहीं होती। क्यों पता नहीं बट नहीं होती। करेक्ट, इसी पे स्टडी करने के लिए और इसका पता लगाने के लिए हम लोग वहाँ जाएंगे। अब देखो शहर में लोग अपने घरों में होते हैं फिर भी चोरियाँ हो जाती हैं, और उस गाँव के लोग ऐसे ही घर को खुला छोड़ करके चले जाते हैं। इंटरेस्टिंग यार। वाओ, तभी तो हम सबको अलग अलग रीजन से बुलाया गया है ताकि हम सबके व्यूज पे डिस्कस कर सके। करेक्ट। देखिए ये ट्रिप जो है वो 3 दिनों का है, मैं आप लोगों को एक मैप के थ्रू बताता हूँ कि हम लोग कैसे वहाँ जाएंगे। ये देखिए इसमें वो सारे रास्ते हैं और उस गांव के बारे में भी है। ये देखिए हम लोगों को इस रास्ते से होते हुए यहाँ तक पहुँचना है, यहीं है वो गाँव। अब हमारी कंपनी ने आप सबों के लिए एक स्नैक्स अरेंज किया है। That's great. तो जब तक बस नहीं आ जाती तब तक आप लोग स्नैक्स को एंजॉय कीजिए। ओ विराट जी, हमें खिलाई जा रहे हो, खुद कुछ नहीं खाओगे? तबीयत छबीयत ठीक है ना? सब ठीक है, सब ठीक है, थैंक यू। तो चलो ना फिर कुछ खा लेते हैं। चलिए ठीक है खा लेते हैं, इसमें क्या है? चलिए चलिए। आपके घर में कौन कौन है? मैं हूँ, मम्मी पापा हैं, छोटी बहन है, एक बच्चा है। तो वो नहीं है। विराट के पास ये गन, टूर पे गन की क्या जरूरत पड़ सकती है? अब एक मिनट अपना मुंह बंद रखना। हेलो, यस, ओके ओके, थैंक यू सो मच।
एक्सक्यूज मी गाइस, हमारी बस आ चुकी है, हमें चलने की तैयारी करनी चाहिए। चलिए सर, आप आ गए। मैं अच्छे बुरे की क्या बात है, लाश है तो हम आएंगे। सर, टॉयलेट में लाश देखने के बाद तो मेरे होश उड़ गए थे। किसने कुछ सुना? नहीं सर। तो फिर पता कैसे चला? सर, चंदू जब टॉयलेट साफ करने गया तो उसने देखा और चिल्लाना शुरू किया। सर कहाँ पर है? इस तरफ सर। आइए सर, ये है चंदू। सर, यही कोई आधा घंटा पहले। आधा घंटा पहले? इसके बाकी कपड़े कहाँ गए? इन कपड़ों में तो ये नहीं आया होगा मॉल में। आया? कच्चे बनियान में अगर मॉल में घूमेगा तो सारे मॉल में देखेंगे लोग उसे। सर, बॉडी को बाहर ला। संभाल के। कैसे आवाज भी नहीं आई, ऐसे ही मर गया। कहीं भी खून के निशान तो नहीं है सर? ये गर्दन बता रही है कि जरूर कुछ हुआ है। आधे घंटे में निशान काला पड़ गया। एक ही झटके में मरा होगा ऐसे। मतलब इसका खून हुआ है? बिल्कुल, ये निशान ऐसे ही नहीं आ सकता, ना ही गिरने से आ सकता। दया, जरा उठाओ इसे। ये देखो, देखा? गर्दन तोड़ दी गई है। बिल्कुल बॉस, मुझे लगता है पीछे से वार किया गया है। एक झटके में गर्दन तोड़ दी गई। इसका तो विंड पाइप भी टूट गया है बॉस। चीखना चिल्लाना तो छोड़ो, ये आदमी तो बेचारा ढंग से सांस भी नहीं ले पाया होगा। किसी की गर्दन तोड़ना कोई आसान बात नहीं है सर। खूनी कोई हट्टा कट्टा आदमी होगा सर, या फिर कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली होगी उसने। और ये देखो, गले में खूनी की चेन और हाथ में घड़ी बिल्कुल वैसे के वैसे ही। खून करने वाला ये सब छोड़ के गया। कपड़ों में भी खून कर दिया। ऐसी क्या खासियत थी इसके कपड़ों में? ये तुम्हारे मॉल में काम करता है? नहीं सर, इस मॉल में जितने लोग काम करते हैं मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। मॉल में सीसीटीवी कैमरा तो है ना? यस सर, बाथरूम के बाहर भी एक कैमरा लगा हुआ है। रिकॉर्डिंग देखते हैं तब तक समझ। लाश को तेरे साथ लेकर जा और देख क्या बताता है। बारिश के दिनों में ये जगह और भी खूबसूरत हो जाती है। दूर दूर तक सिर्फ हरियाली ही हरियाली। यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद आपको महाराष्ट्रियन खाना मिलेगा, जो आप सभी को बहुत पसंद भी आएगा। हालांकि थोड़ा तीखा होगा, लेकिन उसकी खासियत यही है कि वो तीखा है, इसलिए वो अच्छा है। सो एंजॉय योर ट्रिप। थैंक यू।
क्या रहा ये? भूख लग रही थी तो सोचा चिप्स खा लूं। जानता किसका बैग है? वो कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। वाला ठीक है, आगे से बैग को हाथ मत लगाना। चोर कहीं का? चोर? चोर किसको कह रहे हैं? को बोल रहा हूँ। हाथ कैसे लगा रहे हैं आप? Excuse me. तूने मेरे बैग को हाथ कैसे लगाया? तूने मेरे बैग को हाथ लगाया? प्लीज हेलो, छोड़िए छोड़िए, रहने दो। चलिए अपनी जगह बैठ जाइए, समझाओ इसको। अपनी जगह भी बैठे प्लीज। चलिए बैठिए, प्लीज कूल डाउन, चलिए बैठिए। क्या इतने अच्छे ट्रिप की शुरुआत आप लोग झगड़े से कर रहे हैं? इसको समझिए पहले आप। प्लीज आप लोग झगड़ा मत कीजिए, प्लीज आप बैठिए। ले मैं लो, आर यू ओके? यस ओके। ये वही आदमी है जिसका खून हुआ है। इसने कुछ यूनिफॉर्म जैसा पहना हुआ है। हाँ चलो आगे चलो। कमाल है सर, एक के बाद एक पांच पांच लोग बाथरूम के अंदर गए मगर किसी ने कुछ नहीं देखा। वही तो। सर इसके कपड़े तो वही है मगर आदमी कोई और ही लगता है। हाँ दया, कपड़े वही है लेकिन आदमी दूसरा है कोई, उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है। यही खूनी है दया, यही हमारा खूनी है। इसने अंदर जाकर उस आदमी का खून किया और फिर उस आदमी के कपड़े पहनकर अब बाहर निकला है। इसीलिए लाश के कपड़े नहीं थे सर। यही है दया, यही खूनी है। सर जितने लोग बाथरूम के अंदर गए उतने ही लोग बाहर भी निकले, कोई ज्यादा देर तक था भी नहीं अंदर। और करीब 10 मिनट के बाद ये आदमी वही कपड़े पहन के निकलता है जो उस आदमी ने पहने थे और उसकी लाश बाथरूम के अंदर मिलती है। इसका मतलब है दया, ये खूनी पहले से ही बाथरूम के अंदर था, छुप कर बैठा था टॉयलेट के अंदर इस आदमी के इंतजार में। जैसे ही आदमी अंदर आया खूनी ने उसका खून किया और फिर उसके कपड़े पहनकर निकल गया। सर ये जो कपड़े पहने हुए हैं इन्हीं कपड़ों में 6-7 लोग और आए थे इस मॉल में। 6-7 आदमी और थे? जी सर, मैंने इन्हें विराट के साथ में देखा है। विराट कौन है? सर विराट एक टूर गाइड है, इन सबको बस में बिठा कर लेकर गया है। कहाँ ले गया उन्हें? सर ये बस शिरडी गई। शिरडी? शिरडी? तो ये आदमी शिरडी जाने वाले लोगों के साथ बस में बैठकर चला गया। विराट को आप जानते हैं अच्छी तरह से? सर वो TNP टूर कंपनी में काम करता है और वो अक्सर इस मॉल में आया जाया करता है। पूर्वी, TNP टूर कंपनी से पता लगाओ कि टूर पर जाने वाले पैसेंजर्स है कौन। और फ्रेडी, शिरडी के रास्ते पर जितने भी टोल नाके हैं उन सबको इन्फॉर्म करो कि वो इस बस को रोके। बस का नंबर बताओ। XP028353। अच्छा ओके। ओके तो ये सारे के सारे एक ही कंपनी में काम करते हैं। कौन सी कंपनी है? शेयर प्लानर। ओके नहीं और कुछ पूछना होगा तो मैं आपको दोबारा फोन करूंगा। जी थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।
एसीपी साहब को बता देता हूँ। हाँ अभिजीत सर, ये जितने भी टूरिस्ट हैं सब एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं जी, शेयर प्लान है। ये शेडी में कोई रिसर्च करने जा रहे हैं सर। रिसर्च करने वाले? यस सर। सर एक बात और, ये जितने भी लोग हैं सब अलग अलग शहरों से आए हुए हैं। अलग अलग शहरों से आए जी? तो हो सकता है ये लोग एक दूसरे को पहली बार मिल रहे हो। हाँ तभी ये खूनी इनके बीच में घुस गया और किसी को पता भी नहीं चला। मगर सर एक बात समझ में नहीं आ रही, ये रिसर्च करने वाले सीधे साधे लोगों के बीच में ये खूनी क्यों घुसा हुआ है? इसका क्या काम? वही तो, ये खूनी उनके साथ क्यों गया? सर हो सकता है जहाँ पे ये लोग जा रहे हैं वापस खूनी का कोई काम हो। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा अभिजीत एक बात बता, क्या ये पता चला कि ये बस सीधे शिरडी जाने वाली या बीच में कहीं रुकने वाले हैं लोग? ये शिरडी से आगे शनि शिंगनापुर में एक गाँव है सर, जहाँ पे घर के दरवाजे खुले रहते हैं। हाँ पता है मुझे, शनि शिंगनापुर में तो चोरियां वगैरह होती नहीं है। वहीं पे रिसर्च करने जा रहे हैं। रिसर्च करने? समझ में नहीं आता इस खूनी का शनि शिंगनापुर से क्या वास्ता। चलो देखते हैं। शनि शिंगनापुर? सब सो रहे हैं। हेलो माय नेम इज लेमेलो। सब सो रहे हैं, मैंने सोचा आप बोर हो रहे होंगे तो बहुत गर्मी है ना तो फैल कर ही बैठना चाहिए। मैं इधर बैठ जाता हूँ, ऐसे ऐसे बात कर लेंगे। वैसे आप कौन सी सिटी से? बेंगलोर से। बेंगलोर? कमाल है, 6 महीने पहले मेरा वहाँ ट्रिप लगा था, शायद मैंने आपको नहीं देखा। आपने अभी अभी ज्वाइन किया? जी नहीं, मैं बहुत पहले से वहाँ पर हूँ। तो फिर हम पहले क्यों नहीं मिले? देखिए मिस्टर लेमेलो, मुझे नींद आ रही है तो प्लीज आप अपनी सीट पर जाइए और मुझे सोने दीजिए, समझ गए आप? अरे हम नई जगह जा रहे हैं और आप सोने की बातें कर रहे हैं, सुनिए तो। आपकी पॉकेट में गन? नहीं सर, बस यहाँ इस टोल नाके से नहीं कुछ भी। कैसे हो सकता है ये, कैसे हो सकता है? हाँ सर, और शिरडी जाने का यही एक रास्ता है मगर उस नंबर के पास यहाँ इस टोल नाके से नहीं निकली। सर वो बस हमसे 1 घंटा पहले निकली थी, हम लोग पहुँच गए यहाँ पे लेकिन वो बस नहीं पहुँचे, रास्ते में भी नहीं दिखाई थी, गायब कहाँ हो गई? अभिषेक ये भी तो हो सकता है कि उन लोगों ने बस का नंबर प्लेट ही बदल दिया हो। हाँ सर, इसीलिए नाके पे किसी ने रोका नहीं होगा। एग्जैक्टली। काम करो, आगे वाले टोल नाके को कहो कि उसी कंपनी की जो भी बस वहां आ जाए रोक दो उसे। एक्सक्यूज मी, ढाबा आ गया है, 20 मिनट के लिए गाड़ी यहां रुकेगी, आप लोग चाय पानी कर लीजिए और थोड़ा फ्रेश हो जाइए। ये तो यहीं रह गया। हेलो भाई साहब, हेलो एक्सक्यूज मी, ढाबा आ गया है, उठ जाइए, गाड़ी 2 घंटे के बाद ही रुकेगी, कुछ नाश्ता कर लीजिए, बहुत गहरी नींद सो रहा है। भाई साहब खाना खा लीजिए, ढाबे पे गाड़ी रुकी है, कुछ खा लीजिए।
भाई साहब। भाई मैं स्टेपनी ठीक कराने जा रहा हूँ, आप चल रहे हैं क्या? हाँ मैं भी आता हूँ। लगता है चिप्स ज्यादा ही खा रहे, भूखे नहीं है इसे। बड़ी हंसी आ रही है तुम दोनों को। किस पे हंस रहे हो? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? एक जोक पर हंस रहे? बेवकूफ समझा है। बताओ जोक की डेफिनेशन। छोड़ना यार, क्यों उसके मुंह लगता है, छोड़। यार मैं जरा टॉयलेट हो गया आता हूँ, बहुत प्रेशर है। अरे भैया ये टॉयलेट कहाँ? तो टमाटो सॉस है, मुझे लगा खून। मेरा भी दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है बेवकूफ। कौन हो तुम? तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? पहले ये हटाओ, हटाओ ये। जैसे तुम गोनी को खींच के ला रहे थे, मुझे लगा जैसे कोई लाश है। ये खून देखो। नहीं नहीं साहब, टमाटो सॉस है, कचरा फेंकने आया था। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। लगता है बस जाने का वक्त हो गया, मैं चलता हूँ। दया, आगे कहीं पर भी कोई रेस्टोरेंट या ढाबा दिखे तो गाड़ी वहीं पर रोक देना। क्यों सर, भूख लगी है? भूख? और मुझे? तुमने कभी मुझे खाते हुए देखा है? नहीं सर। सर सामने ढाबा है, बस तुम्हें रोक दो उधर। क्या हुआ सर? अभिजीत, अभी भी जाकर पूछते हैं किसी ने उस बस को देखा है क्या। सर आप लोग क्या खाएंगे बताइए, क्या बनाए? एक मिनट, खाना वाना छोड़िए, आप ये बताइए अभी अभी यहाँ से एक सफेद रंग की बस गुजरी है क्या, मिनी बस? सफेद रंग की बस? हाँ, उसके ऊपर ओसी ट्रेवल्स लिखा हुआ था। हाँ, उसमें कुछ 8-10 लोग बैठे हुए थे। हाँ भाई भाई, लोगों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। हाँ अभी अभी खा पी कर निकल गए लोग। कब निकल गए? 10-15 मिनट पहले। लेट्स गो। पूर्वी पानी लेकर आओ जल्दी। अरे इधर से चिल्ला के भागता हुआ आया है, जरूर उस तरफ कुछ हुआ है, देखते हैं। चलो पूर्वी,
माय गॉड सर। हाँ अभिजीत सर, एक और फोन। रेडी, ढाबे वाले को बुला। यस सर। अभिजीत एक बात देखी तुमने? इस आदमी ने भी बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने जैसे उन टूरिस्टों ने पहने थे जो बस में गए हैं। इसे भी वैसे ही मारा है जैसे उस आदमी को मारा था मॉल में, गर्दन तोड़ के। इसका मतलब इन दोनों का खूनी एक ही है। सर, किसने मारा इसे? आप मालूम नहीं मुझे? मालूम कैसे नहीं? तुम्हारे ही ढाबे पर लाश मिली है ना? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम साहब। अच्छा, लाश उड़ के आ गई यहाँ पे, क्यों? पता नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम। चुप, रोने से काम नहीं चलेगा, चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे। सर, अगर ये ढाबे वाला मना कर रहा है तो फिर इस आदमी को मारा कहाँ गया होगा? सर, कहीं बस में तो नहीं मार दिया इसे? मगर बस में तो इतने लोग सफर कर रहे थे, वहाँ कैसे मारा? हो सकता है सचिन, जब बस यहाँ पर खड़ी थी ढाबे पर और लोग उतर गए थे खाने पीने के लिए, उसी वक्त खूनी ने इसे मार दिया और इसकी लाश को लाकर यहाँ पर फेंक दिया। सर, उस पहले आदमी को मारा कपड़ों के लिए, इसे क्यों मारा? हो सकता है खूनी के बारे में ये कुछ जान गया होगा और इसीलिए इसकी जान ले ली गई। विवेक, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज दो। हाँ, ठीक हो तुम? हाँ सर। अच्छा बताओ, क्या तुमने किसी को लाश को यहाँ पर लाते हुए देखा? नहीं सर, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने ये लाश देखी। कोई बात नहीं, चलो। ये खूनी एक एक करके टूरिस्टों को मार रहा है, इससे पहले कि और एक खून हो जाए इस खूनी को पकड़ना ही होगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। ये कहाँ गया? ये जो आप लोगों के साथ था कहाँ गया ये? नहीं, मुझे नहीं पता। आप लोगों में से किसी ने उसे उतरते हुए देखा है? नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, हम लोगों ने तो नहीं देखा। वो यहीं बैठा था, सो रहा था वो। मैंने उसे दो तीन बार आवाज भी दिया था। अरे, वहीं पीछे कहीं ढाबे पे तो नहीं रह गया? बस ढाबे पे रुकी थी, हो सकता है वहीं रह गया होगा वो। ड्राइवर, गाड़ी घुमाओ, हमारा एक आदमी रह गया है। ए, हेलो, क्या रही है? अरे टाइम पे वो नहीं आया, हम अब क्यों जाएं? जिसको आना खुद आएगा, गाड़ी वापस नहीं जाएगी। देखिए सर, वो हमारी टीम का आदमी था, हमारे साथ था। ऐसे अकेला छोड़ दें अच्छा नहीं लगता सर, फिर हम लोग बहुत ज्यादा दूर नहीं आए। ड्राइवर, गाड़ी घुमाओ। ए, हेलो, लगता तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई, मैंने कहा गाड़ी वापस नहीं जाएगी। बस बहुत हो गया। ए, मुझे सही गलत समझाएगा, गोली मार दूंगा मैं। क्या 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 कर रहे हैं आप? ए, क्या कर रहे हो तुम? चलो, गोली मार दूंगा मैं। देखिए, इतनी सी बात का गन मत निकालिए, आप शांत हो जाइए। ए, ड्राइवर, गाड़ी चला। अरे चुप, क्या कर रहे हैं? सर सर, देखिए, आप शांत हो जाइए, आप बैठिए, आप बैठिए। ए, जरा स्मार्ट मत बन, चल हट हट। ए ड्राइवर, ए अरे छोड़ दो, ब्रेक मत मारो, गोली नीचे करो, अरे किसी को गोली नहीं चाहिए, अरे छोड़ दो मुझको, संभालो, मैं छोड़ दो मुझको, बंदूक गोली मार दूंगा मैं, हटाओ। लोग हैं, इसने ड्राइवर को गोली मार दी। अरे भागो, हम सबको भी मार देगा ये। अरे भागो। Thank you.
अच्छा अभिजीत, अंदर बस में तो कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है। अच्छा लोग भागने लगे, मैं सोचा उनकी मदद करूं। बस से एक आदमी आया और उनके ऊपर गोली चलाने लगा। छोड़ूंगा नहीं मैं। बस में जो लोग थे उन पर गोली चला रहा था वो? हाँ सर। तो किसी को गोली लगी, देखा तुमने? नहीं सर, जैसे गोली चलने लगी तो मैं यहाँ पे छुप गया। अच्छा सचिन, तुम और विवेक देखो किसी को गोली लगी है क्या, और तुम यहीं पर रुकना, जाना नहीं कहीं। बस जगह पे गोली चली सर, सीट पे खून पड़ा हुआ है। लगता है गोली यहीं से चली है। ऐसा से फायर किया। सर, ये सारे कपड़े बिखरे पड़े सर। ना पेड़ी, ये सारी बैग्स भी खोलकर चेक की गई है, सारी बैग। सर, एक्सीडेंट होने के बाद भी वो बैग खोल कर चेक कर रहा था, मतलब बैग के अंदर कोई खास चीज थी सर, इसे वो ढूंढ रहा था। हाँ अभिजीत, एक बार फिर से उस गांव वाले से बात करते हैं, चलो। एक बात बताओ, बस में जो लोग थे वो किस तरफ भागे? सर, ये गांव के तरफ भाग गए। और वो जो आदमी गोली चला रहा था वो कहाँ गया? वो चिल्लाते उनके पीछे भाग गया सर। इसका मतलब है सर, जो सामान वो ढूंढ रहा था उसे अभी तक मिला नहीं। बस में जो लोग हैं उनकी जान को खतरा है, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, गांव की तरफ चलते हैं। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, यहीं कहीं छुपे होंगे। मैं जानता हूं तुम सब यहीं छुपे हो, चुपचाप बाहर निकल आओ और मैं एक-एक को घसीट के बाहर निकालूंगा। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे वो चीज चाहिए जो तुम में से किसी एक के पास है। मुझे वो चीज लौटा दो, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मेरे पास वक्त बहुत कम है, आखिरी बार समझा रहा हूं, अगर तुम खुद बखुद चलकर मेरे पास नहीं आए और मुझे ढूंढना पड़ा तो समझ लो अंजाम बहुत बुरा होगा।
आएगा मजा। छोड़ने वाला नहीं है। चुपट चुपट, वो हमें देखे इसके पहले हमें हमें उसके ऊपर हमला करना होगा। ताकत घर है उसके पास, जब मरना ही है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। डरने से कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं पता? तू बता। बता वरना गोली मार दूंगा। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ट्रिप के लिए आया हूँ। मुझे किसी पैकेज वैकेज के बारे में कुछ नहीं पता। सच बोल रहा है? हाँ, कैसा था? कुछ नहीं जानता? नहीं, बिल्कुल पता नहीं कुछ। फिर तो तू मेरे किसी काम का नहीं। एक काम कर, भाग जा। सोच मत, भाग जा। इस काम की है बहादुरी, मुझसे बचने चला था। चल बता पैकेज क्या है। यह पैकेज तेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि तेरे गोली से ज्यादा दिमाग चलता है, समझ गया? मतलब ये पैकेज को चलाने के लिए पासवर्ड की जरूरत होती है। बिना पासवर्ड के ये सिर्फ और सिर्फ डब्बा है। पासवर्ड? कौन सा पासवर्ड? चल बता। पासवर्ड तो वो एजेंट लेके चला गया। एजेंट?
कौन से एजेंट? ये ना बता सका? जान निकल गई थी मेरी यार, इस पैकेज को चलाने के लिए पासवर्ड चाहिए। हाँ सुना है मैंने, वो एजेंट भी इसी बस में है जिसके पास ये पासवर्ड है। हाँ यार, किसी भी हालत में उस खूनी को रोकना ही होगा तुम्हें। हम लोग अपनी जान पे खेल जाएंगे सर। बस शील्ड में कुछ होने नहीं देंगे। मिशन है हिंदुस्तान का सर्वनाश।